यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो भी आपका गोल है आप कंटिन्यूअसली उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट? तो यार आप लोगों के लिए जो कि ये पीवाईक्यू वाली सीरीज चल रही है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है? तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फर्स्ट काम सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, आपके लिए ये सारा कुछ। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी आपका पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक कमेंट जरूर से कर लेना, ताकि हमें पता चले हाँ भाई कैसा कैसा चल रहा है, राइट? तो ये सारा कुछ आपके सामने सिस्टम है, ठीक है? कंप्लीट आप किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्लीट आपकी क्लासेस वगैरह चलती हैं, फुल कोर्स आपके लिए है, ठीक है? ऐप भी आपने डाउनलोड करा होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन है आपके सामने, आज हम ये क्वेश्चन जो लेके आए हैं थोड़ी बहुत स्क्वायर रूट वगैरह के क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो आपके सामने यहाँ पे क्या है कि इफ रूट 1 प्लस 27 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13, देन एक्स इक्वल टू। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सर हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा सॉल्व, है ना? ये सारा अभी हमारा रूट के अंदर चल रहा है, ये जो भी हमारा चल रहा है अभी रूट के अंदर ही हमारा ये चल रहा है, ठीक है? तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने करा 169 into 1, तो वो आपका 169 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या होगा 27, एंड होल अपॉन में क्या हो जाएगा 169 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू में जो है उसे अभी हम ऐसे रख देंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 13, ठीक है सर? इसे हम प्लस करेंगे तो 9 7 16 का 6 कैरी 1, 6 2 8 1 9, 1 का 1 अपॉन 169 इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस एक्स बाई 13, ठीक है सर? बहुत सिंपल है। अब हमने इसका रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 196 का रूट होता है 14, स्क्वायर रूट 169 का होता है 13, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13, सिंपल है। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स के साथ जो कुछ भी है उसे इक्वल के दूसरी साइड हमें भेज देना है। तो यहां से मैं क्या कर लूंगा, यहां से मैंने क्या कर लिया, ये ऐसा हो गया यहां पे x इज इक्वल, सबसे पहले देखो x अपॉन 13, ये 1 इसके साथ क्या था, प्लस में था, इक्वल के दूसरी साइड गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसे यहां लिख रहा हूं, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 13 में 13, 14 माइनस 13 वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 1 अपॉन 13, 13 इंटू 1 13, 14 माइनस 13 1, 1 अपॉन 13 इज इक्वल टू, यहाँ भी होगा ये आपका क्या, x अपॉन 13 हो गया। ये इक्वल इक्वल है, आपने यहाँ से कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 1 मिल गई, ठीक है? x इज इक्वल टू 1 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई भी दिक्कत है तो बता दोगे, ठीक है? ऐसी कोई इश्यू नहीं है, आपको हर एक चीज़ करवाई जाएगी, हर एक चीज़ आपको अच्छे से अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है, ठीक है? बढ़िया क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 698 होल स्क्वायर एंड 699 होल स्क्वायर, 698 स्क्वायर और 699 स्क्वायर का हमें क्या करना है, इनके बीच के हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताने। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वो नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है, ठीक है? तो इनको 4, 16, 25 को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। या 9 भी है आपका। अगर मैं बोलूं 24, 24 क्या किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, नहीं है, क्योंकि 4 का तो 16 हो गया एंड 5 का 25 हो गया, 24 हमारा इनके बीच में छूट गया, तो वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है? तो वही हमें बताना है कि 698 होल स्क्वायर और 699 होल स्क्वायर का क्या होगा, कि जो परफेक्ट जो नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अगर आप इसे डायरेक्ट करोगे, आप लोग अपना दिमाग लगाओगे, जो नॉर्मल हम करेंगे, आपने 698 का, आपने 698 का स्क्वायर निकाला, आपको कुछ नंबर मिलेगा। फिर आपने 699 का स्क्वायर निकाला, आपको कुछ नंबर मिलेगा। फिर आपको जो स्क्वायर मिला होगा, आपने उसमें से इसको माइनस करा होगा, आपको वहां पे आंसर मिलेगा 1397, जो कि ये गलत है, बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि ये गलत है। करा हमने सही था, लेकिन ऐसा जो क्वेश्चन होता है इसका एक छोटा सा फॉर्मूला से ही आपको ये करना होता है, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है, वहां से हमें इसको करना होता है, ठीक है? तो इसको हमें डायरेक्ट करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, ऑप्शन में भी वो ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन वो आंसर गलत होगा। हमें क्या करना है, इसका आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हमें ऐसा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन, ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन स्क्वायर,
इसको जरा ध्यान से देखो, इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें कोई दिक्कत है? ये इसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन स्क्वायर। मान लो ये यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वो ही चीज आपके वहां पे भी है, एक तो है आपके यहाँ पे 698, तो वो हो गया आपका क्या, स्क्वायर एंड x प्लस 1 मतलब 698 प्लस 1। तो 698 प्लस 1 करोगे तो वो आपको 699 ही मिलेगा, जो कि इसी फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है कि नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन x स्क्वायर एंड x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका आंसर आएगा आपका सीधे 2 × x 2x। समझे बात को, बात को भाई समझे सब लोग, 2 × x हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x है यहाँ पे आपका 698, ये लिखना कि नीड है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। एंड x है यहाँ पे क्या, 698 प्लस 1, ये तो हो गया आपका क्या, 699 ही हो गया ये, ठीक है। इज इक्वल टू में ये होता है कि 2x, हमें सीधे आंसर निकालना है क्या, 2x, इसका जो हमें निकालना है वो 2x से निकालना है। 2 × x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू सर यहाँ 698 है, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 16 का 6 कैरी 1, 2 × 9 = 18, 18 × 19 का 9 कैरी 1, 2 × 12 = 13, 1396 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझे बात को, नॉर्मल करोगे 1397 आएगा, जो कि गलत रहता है, क्योंकि आप अगर वहाँ पर नंबर निकालोगे, ठीक है, इनके स्क्वायर के बीच का आप नंबर निकालोगे तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है, वो 1396 होंगे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत है बता दो, ठीक है। चाहे अगर आप लोग सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहे हो बहुत मिनिमम कॉस्ट पे और बेस्ट कंटेंट, तो इस अनटोल्ड कॉन्सेप्ट का वॉरियर 100 बैच चल रहा है, ठीक है, जिसमें कि आपकी डेली क्लासेस होती हैं, डेली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती हैं, ठीक है, आपके प्रॉपर टेस्ट वेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सारा कुछ बढ़िया है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम के नियर जाते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती है, और एनी टाइम डाउट गाइज आपके लिए मैंने फैसिलिटी रखी है, ठीक है, 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी आप टॉपिक कर रहे हो, कोई दिक्कत होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। वैसे डाउट आता नहीं है, आपको पता है क्लासेस ऐसी होती हैं, आपको मजा आएगा, हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। PYQ सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज आपकी प्रॉपर चलती है, मॉक टेस्ट वगैरह प्रॉपर चलते हैं, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, SST हो, इंटेलिजेंस हो, हर एक चीज़ आपको बढ़िया करवाई जाती है, और सबसे लो कॉस्ट होती है, और जिस लेवल का कंटेंट आपको मिलता है, जिस हिसाब से आपके लिए मिलता है, क्योंकि देखो यार ये सारा आपके लिए है, आपसे है, ठीक है, तो चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए, आपको मतलब जो आपका गोल है वो आपको अचीव होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका गोल मैटर नहीं करता, आपकी जो ये जर्नी है वो भी मैटर करती है। ऐसा नहीं आपने किसी भी तरह रट्टा मार मार के जो भी आपने यूज करी ट्रिक हुई, आपने एग्जाम तो निकाल लिया, स्कूल में भी चले गए, लेकिन वहां जाके फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि बेसिक आपने पढ़े नहीं है, वहां भी तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है, अगर आपको फाइनल गोल होता कि यार हमें एग्जाम निकालना है, उसके बाद हमें पढ़ना नहीं है, फिर तो आप कैसे भी करके उसे कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, आपको एग्जाम निकालने के बाद भी वहीं सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो हर एक चीज आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बढ़िया से आपकी क्लासेस होती है, ठीक है, टोल कौन सा बेस्ट कोचिंग है, अफोर्डेबल फी रहती है, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। चलो फिलहाल के लिए हम बढ़िया क्वेश्चन है, इफ 2^3 = 3^5 = 6^z, देन जेड की वैल्यू आपको बतानी, ऑप्शन से करना होता है कि ऑप्शन में क्या चीज जेड की वैल्यू है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें आपका एक्सपोनेंट का रोल है, ठीक है, एक्सपोनेंट का एक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ध्यान से देखो, आपको दे रखा है 2x = 3y = 6z, एक कंडीशन हमें बता रखी है कि सर क्या है, 2^3 = 3^y = 6^z, ये सारे इक्वल है, दे रखा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सारे आपस में इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैं इसको इक्वल मान, कोई भी कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे a मान लिया, एक्स वैक्स भी आप मान सकते हो, बट क्योंकि एक्स ऑलरेडी है, हम कुछ ऐसा वेरिएबल लेंगे जो वहां पर नहीं होगा। मान लो मैंने ए मान लिया, अब ये ए इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, पहले मैंने क्या करा, 2^x = a मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको रिकॉल करवाता हूँ, अगर आपने एक्सपोनेंट के लेक्चर देखे होंगे, उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी रेडिकल, तो यहाँ पे मैं इसे आपको थोड़ा रेडिकल के फॉर्म में बता देता हूँ, एक बार प्रॉपर यहाँ पर रेडिकल नहीं होगा, लेकिन देख लो, आपने रेडिकल में आपने देखा होगा, अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता है a^m, पहले मैं आपको रेडिकेंड का फॉर्म बताती हूँ, ये रेडिकेंड की फॉर्म होती है ये, और यहाँ पे
जो अंदर होता है इसे हम क्या कहते हैं, इस अंदर वाले को हम रेडिकेंड कहते हैं। थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवा लेता हूँ। जो एन होता है इस एन को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे 25, आपको पता है 25 के स्क्वायर रूट की बात हो रही है, सीधे आपका आंसर 5 आएगा। इसको हम इस फॉर्म में, अच्छा इसे हम खोल के कैसे लिखते हैं, इसे हम खोल के ऐसे लिखते हैं ए, यहाँ पे इस नंबर रेडिकेंड की पावर कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे 1 मान लेंगे और इसके अपॉन में जो ये ऑर्डर होता है ये चला जाता है, रूट हमने वहां से हटा लिया। रूट फाइंड करने का ही ये मेथड होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये 25 है, 25 में 1 का 25 की पावर कुछ भी नहीं है, 1 मान लो, अपॉन जो यहाँ पे ऑर्डर है ये ऑर्डर जाएगा यहाँ पे अपॉन में 25 1/2। अब आपको पता है 25 का अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे आपको मिलेगा 5 raised to the power 2, 5 का स्क्वायर। आपने एक्सपेरिमेंट में लॉ पढ़ा है, जब पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 into 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 1 मतलब 5, तो 25 का आता है 5, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में करा, सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। अगर कहीं पे ऐसा होगा, ये है a raised to the power m, मान लो यहाँ पे x है, मान लो यहाँ पे x है, हमने क्या करना है, इस x की पावर क्या है, इस x की पावर यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसकी पावर मान ली 1 है, पावर 1 होगी, तो ये पावर अगर यहाँ m है तो ये यहाँ जाके अपॉन में चले जाएगी, ठीक है, ये वाली यहाँ जाके अपॉन में चले जाएगी। अगर आपको यहाँ से पावर को नीचे वाले को हटाना है आप उसे यहाँ ले आ सकते हो। समझ आई इतनी बात, इतनी बात आपको भाई समझ आई होगी, इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आई होगी, बड़ा आजा, ठीक है। तो देखो इसको अब हमने सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ भी हम एक बार ही समझ लेते हैं, ध्यान से देखना, सिंपल, ठीक है। ये लिखा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस 2 को मैं अलग करूंगा, ठीक है। 2 को अगर मैं अलग करूंगा तो ये जो पावर है ये यहाँ पे अपॉन में चले जाएगी, ये हो जाएगा 2 raised to the power 2 इज इक्वल टू a raised to the power, ए की पावर यहाँ पे 1 थी, कुछ नहीं है तो 1 माननी है, ये पावर यहाँ जाके अपॉन में हो जाएगी a raised to the power 1/x, ठीक है। यस सर, ठीक है। सेम चीज दूसरे के लिए हम करेंगे, 3 raised to the power y था, 3 raised to the power y था, इसको हम इज इक्वल टू a जो हमने माना है, यहाँ से 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a raised to the power 1/y हो जाएगा। या आप इस वाले टर्म को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचा आपका यहाँ पे क्या, 6z इज इक्वल टू a, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 6z इज इक्वल टू a, यहाँ से हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a raised to the power 1/z, ठीक है। इतनी बात, यस सर, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया है। अब देखो आपको यहाँ पे इतनी बातें हमने कर ली, फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जेड की वैल्यू आपको बताएं, थोड़ा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, थोड़ा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। जो आपका यहाँ पे आया a raised to the power 1/z, ठीक है, a raised to the power 1/z आपका आया, ये आपका 6 है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, a raised to the power 1/y, ये 3 है, a raised to the power 1/y, ये 2 है। थोड़ी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर मैं, ध्यान सुना मेरी बात को, अगर मैं इन दोनों को मल्टी, क्योंकि हमें जेड की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें जेड की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से देखें, इस वाले को और इस वाले को मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 2 है 3 है, 2 into 3 मैं करूँगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे 6 मिलेगा। तो मैंने वो दिमाग लगाया, मैंने इनको मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो मैंने करा क्या, 2 into 3 करा, ठीक है, 2 into 3 करा, ये इक्वल के इस साइड से मैंने इसी साइड इनको रखा, इसको मैंने इस साइड रखा 1/a raised to the power 1/x, और क्योंकि मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ये भी हो जाएगा a raised to the power 1/y, इसको अभी रहने दो, ठीक है। इतना हमने कर लिया, इतनी बात समझ आई, ये सर समझ आए। अब देखो ये हो गया आपका 2 3 6 हो गया इज इक्वल टू a raised to the power 1/x into a raised to the power 1/y। ये थोड़ी दिमाग लगाना है इन चीज़ों में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इतना इतना कर लिया आपने, इसके बाद जब आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो 6 है 6 की वैल्यू रख दो अब इसमें, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू क्या है, a raised to the power 1/z है, तो यहाँ पे 6 raised to the power 1/z है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 6 की जगह वो मैंने लिख दिया a raised to the power 1/z लिख लिया, ठीक है, a raised to the power 1/z लिख लिया। तो यहाँ पे अब इज इक्वल टू में क्या है, a raised to the power 1/x into a raised to the power 1/y है। अब आपने फिर एक्सपोनेंट का लॉ रूल आपको पता होगा, ठीक है, एक्सपोनेंट का रूल आपको पता होगा, आई एम श्योर आपको पता होगा कि जब भी यहाँ पे बेस सेम होते हैं, यहाँ पे देखो ये a बेस सेम है, ये a बेस सेम है, जब भी बेस सेम होते हैं उनकी जो पावर होती है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, पावर को हम प्लस कर देते हैं। तो पावर को मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या, a raised to the power 1/z इज इक्वल टू a raised to the power 1/x, 1/x प्लस ये हो जाएगा आपका क्या, 1/y,
1/y, ठीक है, अभी तक अंडर कंट्रोल चल रहा है सब। फिर आपने एक लॉ और पढ़ा एक्सपेरिमेंट में कि सर जब भी बेस सेम होते हैं हम और वो इक्वल में, हम बेस को छोड़ सकते हैं, पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो हम कभी पावर की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। बेस सेम है, मैंने छोड़ दिया, अब मैं ऐसे पावर का कंपैरिजन कर रहा हूँ, 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, ठीक है। हमें जेड की वैल्यू चाहिए, अब हम यहाँ से इसको पहले सॉल्व करेंगे, 1/z इज इक्वल टू, इसे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, यहाँ पे x और y है, x और y का LCM लिया, x y LCM आएगा, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है नंबर क्या है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x को किससे मल्टीप्लाई करा कि x y आया, आपको दिखा y से करा, इसके न्यूमरेटर को भी आप y से करोगे, 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा। y को किससे करा कि x y आया, x से, इसके 1 को भी आप x से करोगे, तो ये हो गया y प्लस x अपॉन x प्लस y, या x प्लस y अपॉन x इंटू y, ठीक है। हमें ये 1/z है, मुझे z की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या होगी वो चीज़ देख लो। इसे हमने पहले मान लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा होगा, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये जेड यहाँ जाएगा, ये जेड यहाँ गया होगा, जेड इंटू वाई प्लस एक्स, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट करोगे, इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई करोगे तो वो एक्स वाई ही हो जाएगा, हो जाएगा। मुझे जेड की वैल्यू चाहिए, जेड के साथ जो कुछ भी है उसे हटा दो, जेड के साथ वाई प्लस एक्स है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा y प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू वाई अपॉन वाई प्लस एक्स हो गया। ऐसा कहीं मिला आपको, आपको मिला b ऑप्शन, ठीक है, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन वाई प्लस एक्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आप कहाँ से z की वैल्यू निकालनी है बताओ, ठीक है, ऐसे आप कहाँ से z की वैल्यू निकालनी है। होप यार आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आपको कंफर्टेबल फील हो गया होगा कि हाँ यार ये तो बढ़िया धांसू क्वेश्चन था, ठीक है, कि ये तो आपका बिल्कुल धांसू क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव द, और वीडियो को लाइक कर दो पहली बात तो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव द रिजल्ट एज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनमें से जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन रिजल्ट देगा स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n, ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ो कि द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, ए ऑप्शन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर मैंने लिखा, मैं एक एक ऑप्शन आपको दूंगा, ये हम ए ऑप्शन से चल रहे हैं, ए ऑप्शन आपको बोला है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल, मैंने बोला कि चलो मैं फर्स्ट टू नेचुरल नंबर को ले रहा हूँ, फर्स्ट टू नेचुरल नंबर क्या है, एक वन है एक टू है, ये नेचुरल नंबर है वन और टू, इनका मैं स्क्वायर करूंगा, वन का स्क्वायर हो गया कितना, वन ही हो गया, टू का स्क्वायर हो गया कितना, फोर हो गया, ठीक है, टू का स्क्वायर फोर हो गया। फिर देखो इनका सम निकालना है, वन प्लस फोर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, फाइव आया, 1 प्लस 4 करोगे तो कितना आया, 5 आया। अब आपको बोला जो ये 5 आया क्या ये 5 स्क्वायर है, रिजल्ट एज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n, क्या ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, नहीं है, क्योंकि ये 5 है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, ये बीच में अटक गया, तो ए ऑप्शन आप कैसे करेंगे। अगर आप चाह रहे हो तो कोई भी, यहाँ पे तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ही लिया है, अगर मैं फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, अगर मैं थ्री ले रहा हूँ तो वन का स्क्वायर कितना हो गया, वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर करोगे नाइन, नाइन फोर थर्टीन, थर्टीन वन फोर्टीन, वो भी स्क्वायर नहीं है, समझे, ए ऑप्शन आपका गलत। बी को देखो, ठीक है, बी को देखो, बी क्या कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सीधे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मैंने लिखा, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर मान लो मैंने लिख लिया, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, एक वन है, एक टू है, एक थ्री है, ठीक है, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस थ्री कितना हो गया, सिक्स, क्या सिक्स किसी इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, क्या सिक्स किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, नहीं है सर, तो बी ऑप्शन भी आपका कैंसिल। आप फर्स्ट एन बोला, फर्स्ट फोर मान लो, अगर मैं फोर मानूँ तो सिक्स फोर फिर वहाँ पर टेन हो जाएगा, ठीक है, ओके सर बढ़िया है। सी वाला देखो, सम ऑफ द फर्स्ट एन माइनस वन नेचुरल नंबर, फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है, पहले हमने बोला फर्स्ट लिखा है n माइनस वन नेचुरल नंबर, अगर मैंने बोला कि फर्स्ट, ध्यान से देखना, फर्स्ट n माइनस वन है, मैंने लिखा n की जगह फाइव, फाइव माइनस वन नेचुरल नंबर, ठीक है, फाइव माइनस वन नेचुरल नंबर है, फाइव माइनस वन का मतलब क्या है, फोर है,
ठीक है, फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर, फोर हमने ले लिया, फोर हमने ले लिया, एक लिया वन, एक लिया टू, एक लिया थ्री, एक लिया फोर, फोर आ गए, टू वन थ्री, थ्री थ्री नाइन, नाइन फोर थर्टीन आ रहा है, वो भी नहीं होगा, ठीक है, ओके सर, सी वाला भी नहीं है, तो डेफिनेटली फिर डी वाला इसका आंसर होगा। चलो चेक कर लेते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन मैंने लिखा, फर्स्ट थ्री ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट थ्री ऑड, ऑड नंबर क्या है, एक वन है, ऑड नंबर क्या है, एक थ्री है, ऑड नंबर क्या है, फाइव है, ठीक है, मैं पहले थ्री ले रहा हूँ, वन थ्री कितना होता है, वन थ्री फोर, फोर प्लस फाइव कितना होता है, नाइन, क्या नाइन किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यस सर नाइन थ्री का स्क्वायर है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट। और देखना है सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, मैंने यहाँ पे थ्री लिया था, इस बारे मान लो मैं यहाँ पे सिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, कि सिक्स एन ऑड नेचुरल नंबर, सिक्स लिया तो पहला वन हो जाएगा, फिर टू हो, सॉरी वन हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर यहाँ पे इलेवन हो जाएगा, इन सबको मैं प्लस करना है, थ्री वन फोर, फोर फाइव नाइन, नाइन सेवन सिक्सटीन, सिक्सटीन नाइन ट्वेंटी फाइव, एंड ट्वेंटी फाइव इलेवन करोगे थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स किसका आया, सिक्स का आया, यस सर ये तो बढ़िया चल रहा है। कोई भी आप नंबर ले लो, कितने भी आप नंबर ले लो, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल होने चाहिए स्टार्टिंग से, ठीक है, तो वो हमेशा डी के क्या होगा, इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। समझ आई भाई बात, ये था यहाँ पे मेन पॉइंट, ये था यहाँ पे मेन पॉइंट, आई एम श्योर ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ऐसे क्वेश्चन भाई आपको दिख रहा है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं, ओके चलो नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो जरा, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द नंबर फोर ए फोर बी, एक नंबर हमें दे रखा है जो कि है ए फोर बी, ठीक है, नंबर मुझे दे रखा है ए फोर बी, इसमें जो ए इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट परफेक्ट क्यूब, इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट है सबसे छोटा, टू डिजिट का है, परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब का मतलब अगर कोई नंबर किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है तो हम उसे परफेक्ट क्यूब कहते हैं। जैसे वन का क्यूब तो वन ही होता है, टू का क्यूब करोगे एट होता है, थ्री का क्यूब करोगे ट्वेंटी सेवन होता है, फोर का क्यूब करोगे सिक्सटी फोर होता है, बाकी इनके बीच जो छोटे वो सारे नॉन परफेक्ट क्यूब है। अब बोला कि टू डिजिट का है स्मॉलेस्ट क्यूब है, यहाँ पे देखो टू, जो टू डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या है, ट्वेंटी सेवन, ये तो है क्यूब में, तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो ए है ए की जगह तो क्या आएगा, ट्वेंटी सेवन आएगा, ठीक है ओके सर। बीच में मुझे फोर दे ही रखा है, अब मुझे बी निकालना है, फिर बोला एंड, ध्यान से देखना, एंड एज यूनिट प्लेस डिजिट, जो ए है ए की वैल्यू हमारे क्या आई थी, 27 आई थी, इसका जो है सेवन है, ये सेवन क्या है, ये यूनिट डिजिट है, सेवन यूनिट डिजिट है। एज यूनिट प्लेस डिजिट एक्सीड्स बी बाई थ्री, जो ये बी है ठीक है और जो ये ए है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ए जो है वो बी से थ्री एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा, वो बी से तीन ज़्यादा है, अगर ए सेवन है और ये बी से तीन ज़्यादा है तो बी क्या होगा, डेफिनेटली बी फिर आपका थ्री हो जाएगा। भाई जब बी थ्री होगा तभी तो ए फिर इस बी का, सॉरी ये चचे फोर होगा यहाँ पे ना, सॉरी सॉरी ये फोर होगा ना भाई, जब ये बी फोर होगा तभी तो जो आपका ए है वो बी से तीन ज्यादा है, तीन ज्यादा है, फोर प्लस थ्री करोगे सेवन आ जाएगा। आई बात समझ में, यस सर। चलो अब हमें नंबर मिला टू सेवन फोर फोर, फिर आपको बोला देन द सम ऑफ, सम हमें निकालना है किसका, ऑफ द नंबर, जो हमें नंबर मिला टू सेवन फोर फोर, मुझे नंबर मिला एंड इट्स क्यूब रूट, जो ये नंबर है टू सेवन फोर फोर, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सम निकालना है, प्लस करना है, किससे प्लस करना है, इस नंबर के क्यूब रूट से। आप इसका क्यूब रूट निकालोगे आपको मिलेगा 14, निकालना 2744 का क्यूब रूट निकालना 14, मैंने बोला है 15 तक याद कर लो, ठीक है 14, अब इसको प्लस कर लो, 44 कितना होता है 8 होता है, 41 कितना होता है 5 होता है, 7 का 7, 2 का 2, 2758, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट 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 हो जाएगा। समझे बात को, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक अगर आपके क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके कर ही लोगे। डर इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सम उसे पढ़ना है, उसकी स्टेटमेंट को समझना है, उसे फिर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर आपको कैलकुलेशन करनी है, फिर आंसर निकालना है, एट द एंड आपको उसे मार्कशीट में फिल करना है, और आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है, उस लिमिटेड टाइम में आपको ये सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए। ये कब करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो यही चीज़ होती है, मेरा मेन फोकस वही रहता है कि जब भी मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जो भी बच्चों के प्रिपरेशन होती है,
मेन फोकस वही हो कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है एग्ज़ाम में आपको, क्योंकि कम टाइम रहता है उसमें, आपको इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं, और क्योंकि आपको अगर कभी कोई चीज़ आ भी रही होगी, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी एग्ज़ाम में, फिर सही से नहीं कर पाओगे, फिर आप परेशान होते हो कि सर हमारा सेलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हमें तो सब आता था घर में। तो यही चीज़ आपको प्रिपरेशन में हम करवाते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। और भी हम ऐसे क्वेश्चन, जो सीरीज चल रही है आपके हाई स्कोर, ठीक है, उसको हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। कुछ भी दिक्कत, कुछ परेशानी होगी आप लोग बता सकते हो, बाकी मस्त हम फिर इसमें आगे आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगी बता देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, कोई भी सजेशन होगा तो बता देना, ओके। मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं यस तब तक छोड़ोगे नहीं, ओके गाइज।